कक्षा दो हम सीख रहे हैं हिंदी में मात्राएं। मात्रा की सिंपल यानी कि सरल व्याख्या है कि किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से बनती है मात्रा। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से बनती है मात्रा। हमने अभी आ, छोटा ई और बड़ा ई, ये तीन मात्राएं देखी। आज हम देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को अक्षर के यानी कि वर्ण के नीचे इस तरह लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, वाक्य और उसके अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। द प्लस छोटा ऊ, ऊ बोलने में छोटा है। बड़े ऊ की मात्रा जब सीखेंगे तब हम देखेंगे कि ऊ, बड़ा ऊ का जो उच्चारण होता है वो ऊ ऐसा होता है। ये है छोटा ऊ। तो द प्लस ऊ प्लस म, पूरा शब्द बनेगा दुम। दुम ऐसा नहीं, दुम। उसके बाद म, म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो मु प्लस नी, पूरा शब्द बना मुनि। मुनि यानी कि साधु संत। उसके बाद है क प्लस छ, छ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो छु प्लस आ, कछुआ। क छु आ यानी कि टर्टल्स, काछुओ। फिर ब, ब के नीचे लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा तो बु डी प्लस या, पूरा शब्द बना बुडिया। बुढ़िया यानी कि दादी माँ, बड़ी उम्र की जो औरत है उसे बुढ़िया कहते हैं हिंदी में। उसके बाद एक प के नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो पु प्लस ल, पूरा शब्द बनेगा पुल। नदी के ऊपर जो, नदी के इस साइड से उस साइड जाने के लिए जो हम उसके ऊपर पुल बनाते हैं ना, वो वाला पुल। फिर ग के साथ छोटे ऊ की मात्रा तो गु प्लस ला प्लस ब, पूरा शब्द हुआ गु ला ब। क्या शब्द बना? गुलाब। उसके बाद सा प्लस ब के साथ छोटे ऊ की मात्रा तो बु प्लस न, पूरा शब्द बनेगा साबुन। साबुन यानी कि सोप, नहाने का, कपड़े धोने के लिए जो साबुन, गुजराती माँ के भाई साबु, साबुन। उसके बाद स के साथ छोटे ऊ की मात्रा तो सु प्लस न, तो पूरा शब्द होगा सुन। सुन यानी कि सुनना, गुजराती माँ के भाई सांभरवू, सुन। उसके बाद एक त, त के नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो तू प्लस ला, पूरा शब्द हुआ तूला। तूला यानी कि त्राजू के वजह ने, गुजराती माँ त्राजू कोई वस्तु नु वजन करवा माटे नु। फिर र के साथ ऊ की मात्रा, अब र के साथ जब ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की तो ऐसे नहीं लगाएंगे, ये गलत है। र के साथ छोटे ऊ की मात्रा को ऐसे नहीं लगाएंगे, पर र और यहाँ पे ऐसे, ये सही है। तो र के साथ ऊ की मात्रा तो रू प्लस ई, रुई। रूई एटले के रू, जेमाथी भगवान ना दीवा थाय वाट बने ए वालू रू। फिर ख, उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो खू प्लस ला, पूरा शब्द होगा खूला, यानी कि जो बंद नहीं है, जो ओपन है वो खुला। फिर ब के साथ छोटे ऊ की मात्रा तो बु प्लस ल, फिर से ब के नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो बु प्लस ल, पूरा शब्द होगा बुलबुल। बुलबुल यानी कि पक्षी है बुलबुल, वो बुलबुल। और
अंत में है, लास्ट में है, च के साथ छोटे ऊ की मात्रा न प्लस म के साथ छोटे ऊ की मात्रा, तो मु प्लस न। पूरा शब्द होगा चुनमुन। चुनमुन। तो ये है छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। अब देखेंगे उसके वाक्य। ख के साथ छोटा ऊ कु, स के साथ छोटा ऊ सु कुसुम, ख के साथ छोटा ऊ खुरपालाई कुसुम खुरपालाई, यानी कि उसे एक पौधा लगाना है तो वो खुरपा बोलते हैं उसे, कुसुम खुरपालाई। पौधा लगाने के लिए जो खुदाई करनी पड़ती है, वो जो साधन होता है खुदाई करने के लिए, उसे बोलते हैं खुरपा, कुसुम खुरपा लाई। फिर ग के साथ छोटे ऊ की मात्रा, तो गुलाब, गुलाब लगाया, यानी कि उसने खुदाई की खुरपे से और गुलाब का पौधा लगाया। फिर है क के साथ छोटे ऊ की मात्रा, तो कु छ, कुछ दिन बाद ग के साथ ऊ की मात्रा गुलाब खिला, उसने जो पौधा लगाया उसमें कुछ दिन बाद गुलाब आया। तो क्या हुआ गुलाब आया, तो कु स के साथ ऊ की मात्रा सु म कुसुम, फिर ख के साथ ऊ की मात्रा खुश हुई, कुसुम खुश हो गई, उसने पौधा लगाया, उसे पानी दिया, उसका ध्यान रखा, ख्याल रखा, तो कुछ दिन बाद उसमें गुलाब खिला, तो वो तो खुश तो होगी ही, कुसुम खुश हुई। फिर है स, स के नीचे ऊ की मात्रा सु म न, सुमन लड़की का नाम है, स के साथ ऊ की मात्रा फिर से, तो सुबह, यानी कि सवेरा, दिन निकल आया, सुमन सुबह उठकर, दा फिर त के साथ ऊ की मात्रा तू न कर, सुमन सुबह उठकर दातुन कर, कोई ब्रश करता है, कोई दातुन करता है, तो कोई बड़ा उसे बोल रहा है सुमन सुबह उठकर दातुन कर, फिर समझा रहा है कि किसी का न के साथ ऊ की मात्रा नु, नुकसान मत कर, मतलब हमें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करना है, किसी का नुकसान मत कर। फिर म, म के साथ ऊ की मात्रा मुनी, मुनी की क के साथ ऊ की मात्रा कुटिया पर जा, मुनी की कुटिया पर जा, मुनी साधु संत है, वो किसी कुटिया में यानी कि झोपड़ी जैसा बनाकर उसमें रहते हैं, तो मुनी की कुटिया पर जा। और अंत में है ब के साथ ऊ की मात्रा भूल, ब के साथ ऊ की मात्रा फिर से भूल। हमने अभी देखा जो शब्द था उसमें बुलबुल, तब हमने देखा कि बुलबुल नाम का जो पक्षी है वो बहुत ही मस्त गाना गाता है, तो बुलबुल का गाना सुन, मुनि की कुटिया के पास बुलबुल है, वो गाना गा रहा है, उसका गाना सुन। तो कुसुम खुरपा लाई, गुलाब लगाया, कुछ दिन बाद गुलाब खिला, कुसुम खुश हुई। फिर सुमन सुबह उठकर दातुन कर, किसी का नुकसान मत कर, मुनि की कुटिया पर जा, बुलबुल का गाना सुन। तो ये थे ऊ की मात्रा के शब्द और वाक्य। अब देखेंगे उसके रिलेटेड अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा का अभ्यास यानी कि उसके रिलेटेड एक्सरसाइज। पहला है चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए, यह है पहली एक्सरसाइज। पहला चित्र है पुल का, एक नदी है उसके ऊपर एक पुल है और पुल के ऊपर से एक गाड़ी भी जा रही है, तो खाली जगह में लिखेंगे प के साथ छोटे ऊ की मात्रा ऊ और ल, पूरा शब्द होगा, चित्र का पूरा नाम होगा पुल। उसके बाद एक चित्र है, वो है एक संत का यानी कि साधु का, जिसे हिंदी में बोलेंगे मुनि, तो म के साथ छोटा ऊ मु और नी, नी भी छोटी ई की मात्रा मुनि।
उसके बाद है पहली खाली जगह में पुल, दूसरी खाली जगह में मुनि, उसके बाद है एक कॉइन का चित्र है, कॉइन का पिक्चर है, देखिए उसमें हम लिखेंगे रू प या, रू र के साथ छोटा ऊ, रू प या, रुपया नहीं लिखेंगे, रू प या। तो पहली लाइन में पहला पुल, फिर मुनि, फिर रुपया। दूसरी लाइन में पहला है वो है कछुआ, तो खाली जगह में लिखेंगे क, फिर छ के साथ छोटा उ, छू आ, क छू आ, खाली जगह में लिखेंगे क छू आ। कछुए के बाजू में जो चित्र है वो है दादी माँ का, दादी यानी कि बूढ़ी औरत, उसे हिंदी में बोलेंगे बूढ़िया। तो बूढ़िया लिखने के लिए ब के साथ छोटा उ बू, फिर ढ के साथ भी छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की नहीं, बूढ़िया। आ नहीं लिखेंगे, य या लिखेंगे, य से यज्ञ वाला, कछुआ, उसके बाजू में बूढ़िया। और अंतिम चित्र है वो है पिंक कलर का साबुन है, साबुन यानी कि सोप, इंग्लिश में बोलेंगे सोप, नहाने का साबुन है। तो खाली जगह में लिखेंगे सा और ब के साथ छोटे उ की मात्रा बू न, साबुन, खाली जगह में क्या लिखा, साबुन। तो ये थी पहली एक्सरसाइज, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। दूसरी एक्सरसाइज है उ की मात्रा यानी कि छोटे उ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। हमें छह शब्द दिए हैं, बाजू में खाली जगह दी है लिखने के लिए। हमें शब्द में किसी भी अक्षर के साथ उ की मात्रा यानी कि छोटे उ की मात्रा लगानी है, लेकिन उस अक्षर के साथ लगाएंगे जिसमें मात्रा को लगाकर कोई मीनिंगफुल यानी कि कोई अर्थ वाला शब्द बने। पहला है पकार। अब पकार में क के साथ तो आ की मात्रा है, हम अगर र के साथ उ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा पकारू, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, बेमतलब का यह शब्द हुआ। अब देखते हैं प के साथ उ की मात्रा यानी कि छोटे उ की मात्रा लगाकर, प के साथ छोटे उ की मात्रा तो पू, फिर कार, पूरा शब्द हुआ पुकार, पुकार यानी कि किसी को बुलाना, पुकारना, आवाज लगाना। तो खाली जगह में लिखेंगे पुकार। उसके नीचे है बल बल, चार अक्षर है बल बल, उसके साथ हमें उ की मात्रा लगाकर कोई मतलब वाला शब्द बनाना है। तो अगर ल के साथ उ की मात्रा लगाई तो बलू बल, दूसरे ल के साथ लगाएंगे तो बल बलू, तो ये कोई मतलब वाला शब्द नहीं होगा। दोनों ब के साथ, दोनों ब के साथ छोटे उ की मात्रा लगाकर देखे तो शब्द बना बुल बुल, बुलबुल यानी कि एक पक्षी, बुलबुल शब्द बना, तो ये अर्थ वाला मतलब वाला शब्द हुआ, मीनिंगफुल वर्ड बना। अब दूसरी स्टैंडिंग लाइन में पहला है ग ला ब, ग ला ब, हम ग के साथ छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब। फिर उसके नीचे है च न म न, च न म न, हम च और म, च और म दोनों के साथ छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा चुन मुन, चुनमुन, चुनमुन। फिर तीसरी स्टैंडिंग लाइन में पहला है ल हार, ल हार, हम ल के साथ छोटे उ की मात्रा लगाएंगे,
लुहार शब्द बना लुहार, जो लोहे का काम करता है उसे लुहार लुहार कहते हैं। उसके नीचे है कम कम। कम कम वैसे देखिए तो इंग्लिश वर्ड है, कम कम मतलब आना, कम मतलब आना, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी समझ रहे हैं तो कम कम का हिंदी में तो कोई मतलब नहीं होता है। हम देखेंगे दोनों क के साथ छोटे उ की मात्रा लगाकर, दोनों क के साथ छोटे उ की मात्रा लगाकर तो शब्द बनेगा कुमकुम। क्या शब्द बना? कुमकुम। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज कि उ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। पहला बना पुकार, उसके नीचे बुलबुल, फिर गुलाब, उसके नीचे चुनमुन, फिर लुहार, उसके नीचे कुमकुम। उसके बाद की है एक्सरसाइज नया का उल्टा पुराना। नया का उल्टा पुराना होता है, निम्नलिखित के उल्टे शब्द लिखिए। उल्टे शब्द यानी कि विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द। हमें 6 शब्द दिए हैं, हमें उनके सामने खाली जगह में उसके उल्टे अर्थ का यानी कि विलोम शब्द लिखना है। पहला है सुख, पहला है सुख, उसके सामने की खाली जगह में सुख का उल्टा क्या होता है? खुशी हो सकता है, आनंद, खुशी नहीं, उल्टा यानी कि विरोध, उसके विरोधी शब्द लिखने हैं। तो सुख का उल्टा होगा दुख, खाली जगह में लिखेंगे हम दुख। उसके नीचे है दिन, तो दिन का उल्टा क्या होगा? सुबह हो सकता है, सवेरा हो सकता है, नहीं, दिन का उल्टा हम लिखेंगे रात, दिन का उल्टा रात। उसके बाजू में दूसरी स्टैंडिंग लाइन में पहला है बाहर, तो बाहर का उल्टा अंदर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है, अंदर भी और भीतर भी हम लिखेंगे अंदर, बाहर तो अंदर। बाहर के नीचे है जीत, क्या है? जीत। जीत का उल्टा क्या होगा? विजय नहीं, वो तो समान अर्थ वाला शब्द हुआ। जीत का उल्टा होगा, उसका विलोम शब्द होगा हार, जीतना तो हारना। उसके बाद तीसरी स्टैंडिंग लाइन में पहला है इधर, इधर मतलब यहाँ पे, तो इधर का उल्टा क्या होगा? उधर यानी कि वहाँ, नज़दीक नहीं है, उधर, इधर तो उधर। उसके नीचे है आना, आना मतलब कोई आता है हमारे पास तो आना, तो आना का उल्टा क्या होगा? उसका विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही सरल है, जाना, आना तो जाना। तो ये थी तीसरी एक्सरसाइज के उसके जो शब्द दिए गए हैं उसके उल्टे शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। सुख तो दुख, दिन तो रात, बाहर तो अंदर, जीत तो हार, इधर उधर, आना तो जाना। तो ये थे उ की मात्रा, उसके शब्द, वाक्य और उसका अभ्यास यानी कि उसके रिलेटेड एक्सरसाइज। ऊ की मात्रा आज हमने देखी, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, वाक्य और उसका अभ्यास। इसके बाद हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, उसके बाद देखेंगे, समझेंगे और उसके वाक्य, शब्द, अभ्यास, लेकिन इसके बाद के लेक्चर में। आभार।